आज अखबार में खबर आई है कि रोहिंग्या जब भारत में आते हैं तो सबसे पहले या तो अलीगढ़ जाते हैं या शाहन बाग जाते हैं शायद ये मेरे अखबार की कटिंग आपको दिख रही होगी साफ साफ फ्रंट पे सबसे ऊपर की हेडिंग है कि रोहिंग्या सबसे पहले या तो शाहीन बाग जाते हैं दिल्ली में या उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में जाते हैं घुसपैठ एक सच्चाई है और तो तू मैं करने से घुसपैठ नहीं रुकेगा नूरा कुश्ती करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी घुसपैठियों का वीडियो शेयर करने से घुसपैठ नहीं रुकेगा दो चार घुसपैठियों को पकड़ लेने से घुसपैठ नहीं रुकेगी घुसपैठ के लिए हमें फ्रांस से सीखना पड़ेगा तीन महीने फ्रांस जला है घुसपैठियों के कारण घुसपैठ के लिए हमें परसिया से सीखना पड़ेगा पांच हजार घुसपैठियों ने परसिया को सौ साल में ईरान बना दिया पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कहीं पाँच हज़ार घुसपैठिए गए कहीं हजार दो हज़ार घुसपैठिए गए और भारत में देख लीजिए चंद घुसपैठिए आए थे बाबर के रूप में गोरी के रूप में गजनी के रूप में और उन्होंने 500 साल यहां हुकूमत किया था चंद घुसपैठिए थे 5000, 10000 की संख्या में घुसपैठिए आए थे बाबर के बारे में कहते हैं कि 20000 घुसपैठियों को लेकर आया था यह बात हमें समझ में क्यों नहीं आ रही है हम घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे घुसपैठियों को जो यहां फंडिंग हो रही है जो यहां बहुत सारे एनजीओ जो घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं घुसपैठियों की मदद करने का काम करते हैं उनको उनकी फंडिंग को ख़त्म करने के लिए एफ क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? भारत में हजारों की संख्या में एनजीओ हैं जिनका काम है घुसपैठियों को बांग्लादेश और म्यांमार से अंदर लाना उनका राशन कार्ड बनवाना उनका आधार बनवाना उनका वोटर आईडी बनवाना उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ऐसे एनजीओ को खाड़ी देशों से बड़ी संख्या बड़ी बहुत मोटी रकम मिलती है और दो तरीके से मिलती है हवाला के जरिए मिलती है कैश में या एफ के जरिए आती है उनके एनजीओ को एफ कानून हम क्यों लेके बैठे हुए हैं 2010 में कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया ही था इसी काम के लिए देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग कराने के लिए ही कांग्रेस ने 2010 में एफ कानून बनाया था उस कानून को हम क्यों नहीं खत्म कर दे रहे जब हमको पता है कि सारी देश विरोधी गतिविधियां और इंक्लूडिंग घुसपैठियों की फंडिंग हवाला से हो रही है फिर हम हवालाबाजों की 100 परसेंट प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे जब भारत में देश विरोधी कामों की पूरी की पूरी फंडिंग ब्लैक मनी से होती है और ब्लैक मनी जनरेट होती है ड्रग स्मगलिंग के जरिए चरस सफ़ीम गाजा का जो कारोबार होता है फिर हम नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? और नशा तर्क जो नस, ड्रग स्मगलिंग के बाद ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वो काले कुबेर जो पैसा रखते हैं और ये जो काला धन घुसपैठ में काम आ रहा है ऐसे कालो काले कुबेरों की हंड्रेड परसेंट प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? ये जो घुसपैठ होती है ऑर्गेनाइज क्राइम है सिंडिकेट होता है फिर ये ऑर्गेनाइज हम इस जो लोग घुसपैठ करते हैं या घुसपैठियों की मदद करते हैं पैसा लेके उदाहरण के लिए घुसपैठिए घूस दे के आते हैं घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं घूस देकर वोटर आई बनवाते हैं घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं घूस दे के वोटर आई बना लेते हैं घूस दे के पासपोर्ट बनवा लेते हैं फिर हम भ्रष्टाचार को देशद्रोह क्यों नहीं घोषित कर रहे और जो आदमी घुसपैठियों की मदद कर रहा है पैसा लेके किसी भी तरीके से चाहे वो उसको कागज़ बना के दे रहा है या बसाने का काम कर रहा है या उसकी झुग्गी बनवाने का काम कर रहा है जो भी कर रहा है ऐसे लोगों के हंड्रेड परसेंट प्रॉपर्टी जब्त करने जब्त करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे क्या सीखा हमने फ्रांस से कुछ नहीं सीखा और हमने कुछ नहीं सीखा इसलिए जैसे फ्रांस जलाए से भारत जलेगा हमने पर्सिया से कुछ नहीं सीखा इसलिए जैसे पर्सिया ईरान हो गया ऐसे एक दिन भारत भी भारत की हालत ख़राब हो जाएगी घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे पास एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट फिर घुसपैठियों और उनके मददगारों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय एकता खंडता के लिए खतरा है फिर जो घुसपैठिए हैं और इनके जो मददगार हैं उनके खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा लगाया जा रहा है घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है फिर घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा रहे घुसपैठ एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है भारत के खिलाफ एक युद्ध है ऐसा युद्ध पर्शिया के खिलाफ लड़ा गया था घुसपैठिए गए और पर्शिया को ईरान बना दिया भारत में बाबर आया यहां पे मुगल शासन स्थापित हो गया गजनी गोरी आए लूटे नहीं बल्कि यहां पे शासन किया उन्होंने तो ये घुसपैठियों के जरिए भारत में एक सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है घुसपैठियों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है तो फिर घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेज वॉर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121, जिसमें फांसी तक फांसी तक की सजा है हम इंडियन सेक्शन 121 क्यों नहीं लगा रहे हैं? भारत में घुसपैठ को हम देशद्रोह घोषित क्यों नहीं कर रहे सेक्शन वन ए क्यों नहीं लगा रहे घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है पैसे के जरिए आ रहे हैं यहां पे तो घुसपैठ हम इंडियन पिनल कोड में चैप्टर क्यों नहीं डाल देते ऑफेंस रिलेटिंग टू तो इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं कि हम ये कह दें भाई राज्य इस जिसपे कानून बनाएंगे घुसपैठ के खिलाफ घुसपैठ पूरे देश में हो रही है घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं घुसपैठिए असम में घुसते हैं जम्मू पहुंच जाते हैं घुसपैठिए असम में यहाँ पे मिजोरम या मणिपुर में घुसते हैं म्यांमार वाले बॉर्डर से और सीधे सीधे आपके हरियाणा में आने निकल के दिल्ली पहुंच जाते हैं हरियाणा पहुंच जाते हैं तो जब घुसपैठ पूरे देश की समस्या है तो इंडियन पिनल कोड में एक हम चैप्टर ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्टेशन यानी घुसपैठियों घुसपैठ गुश्पैट से संबंधित अपराध ऐसा एक नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ देते क्यों नहीं राज्यों पे छोड़ दिया कि नहीं राज्य अपना घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कानून बनाएंगे कोई कानून है ही नहीं घुसपैठ के खिलाफ तो पुलिस क्या करती है छोटे मोटे कोई दाएं कोई बाएं कोई मिलता जुलता सेक्शन लगा देती है और बाद में घुसपैठ सबूत के अभाव में छूट जाते जब तक क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं होगा कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तब तक एक बार अगर पुलिस एन लगा देगी तो बाद में कोर्ट छोड़ देगी जब तक क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं होगा कि घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है तो पुलिस एक बार अगर यूएपीए लगा भी देगी तो कोर्ट छोड़ देगी जब तक घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित नहीं किया जाएगा तो अगर एक बार मान लीजिए कहीं की पुलिस लगा भी देती है गैंगस्टर एक्ट तो बाद में कोर्ट छोड़ देगी अगर जब तक घुसपैठ को राष्ट्र के खिलाफ युद्ध घोषित नहीं किया जाएगा एक छद्म वार छद्म युद्ध घोषित नहीं किया जाएगा एक इनडायरेक्ट वॉर नहीं घोषित किया जाएगा तो अगर पुलिस आईपीसी का वन लगा भी देगी तो उसको कोर्ट छोड़ देगी जब तक घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा तो अगर पुलिस सेक्शन 124 ए लगा भी देगी तो बाद में कोर्ट छोड़ देगी जब तक घुसपैठियों के खिलाफ इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविज़न एक चैप्टर नहीं आएगा और क्लियर कट डिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस लाचार है अगर कहीं की पुलिस इवन बाबा की पुलिस अगर बुलडोजर बाबा की पुलिस भी चाहे और कुछ करे भी तो बाद में कोर्ट में हार जाएंगे मामला घुसपैठियों के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को मैदान उतार देते मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में 2017 से पेंडिंग है सारे राज्य सरकारों को नोटिस गया हुआ है केंद्र सरकार को नोटिस गया है अभी तक किसी का जवाब नहीं आया 2017 में मैंने कहा था पाँच करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं अब तो 2023 चल रहा है उस समय मैंने कहा था इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करिए इनको डिटेक्ट करिए इनको डिटेन करिए इनको डिपोर्ट करिए कोई कार्रवाई नहीं हुई उल्टा ऐसे कहीं दस पकड़ लिए कहीं पाँच पकड़ लिए पेपर में खबर छप गई सबको लगता है घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही नहीं हो रही है मैं रिपीट कर रहा हूं करने आरोप प्रत्या करने प्रत्यारोप करने बतोलेबाजी करने नूरा कुश्ती करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी घुसपैठियों का वीडियो शेयर करने से फेसबुक पे ट्विटर पे घुसपैठ नहीं रुकेगी कानून बनाना पड़ेगा कानून ही समाधान है घुसपैठ का और अगर हमने फ्रांस से नहीं सीखा तो फ्रांस वाली हालत होगी फ्रांस की वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है फर्ड फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है वर्ल्ड क्लास हाईवे है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है वर्ल्ड क्लास कॉलेज है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर है फ्रांस के पास वीटो पावर है फ्रांस के पास राफेल है तीन महीने फ्रांस जलता रहा घुसपैठियों के कारण कोई देश बचाने नहीं आया यूएन के न परमानेंट मेंबर बचाने आए न फ्रांस का राफेल काम आया और फ्रांस में यूसीसी है वो भी काम नहीं आई घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून ही स्थायी समाधान है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून ही स्थायी समाधान है भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो घुसपैठ नहीं रुकेगी इसलिए भ्रष्टाचार को भी देश रोग घोषित करना पड़ेगा घुसपैठ को भी देश रोग घोषित करना पड़ेगा भ्रष्टाचार घूसखोरों और घुसपैठियों के खिलाफ एन लगाना पड़ेगा यूएपीए लगाना पड़ेगा गैंगस्ट्रेट लगाना पड़ेगा और घूसखोरी और घुसपैठ के खिलाफ इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर डालना पड़ेगा तब जाके घुसपैठ रुकेगी नहीं तो आज फ्रांस जला है कल भारत जलेगा वैसे भी आप देख लीजिए कश्मीर जल चुका है मणिपुर जल चुका है बंगाल में भी खूब आगजनी हुई है असम के बॉर्डर की क्या सिचुएशन है नौ जिलों में नौ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं 200 ज़िलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी